हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पेट की कई सारी मुख्य समस्याओं की एक ऐसी SBL कंपनी का प्रोडक्ट निक्सोसिट के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप पेट की हर समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हमारे पेट में अफरा हो जाता है, गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, गले में जलन होती है और भी कई पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक होम्योपैथिक SBL कंपनी का पेटेंट निक्सोसिट टैबलेट और सिरप के बारे में बता रहे हैं, जिसके उपयोग करने से आपके पेट की इंडाइजेशन और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, पेट का फूलना हो, खट्टी डकारें हो, लगातार बदहजमी की शिकायत हो या कोई भी अन्य पेट की समस्या हो, इन सारी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। मित्रों, लगातार आप इस वीडियो को देखना ना भूलिए। यह बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसकी डोज और क्या क्या इसका इंडिकेशन है, इसके बारे में बताएंगे और इसके साथ ही हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिसके लगातार उपयोग करने से आपकी सारी समस्याएं छुमंतर हो जाएंगी। और पहली बार अगर आप हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं, इस YouTube चैनल से जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लगातार लाइफस्टाइल के बदलाव की वजह से हम लोगों को पेट की कई सारी समस्याएं हो रही हैं। कई सारी समस्याओं में खास तौर से एसिडिटी और कब्ज की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन समस्याओं को हल करने के लिए निक्सोसिट टैबलेट बहुत ही अच्छी दवा है। यह दवा होम्योपैथिक टैबलेट और सिरप बेस्ड मेडिसिन है, जिसको हम अपने पेट की समस्या के होने पर तुरंत ही ले सकते हैं। दोस्तों, लगातार खाना पीना के बदलाव की वजह से या कहीं भी बाहर ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी या मसालेदार खाना के बाद पेट में खास तौर से एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है, गले में जलन होने लगती है या अफरा की समस्या हो जाती है। लगातार गले में ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर एसिड घुला हुआ है। पेट से अजीब टाइप की डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आ सकती हैं या बार बार लगातार डकारें आ सकती हैं। कोई भी इंडाइजेशन की समस्या लगातार बनी रहे या कभी कभार खाने के बाद बनी रहे, तो ऐसे में SBL की निक्सोसिट टैबलेट बहुत ही अच्छी दवा है। अगर कोई भी पेट की ऐसी समस्या हो जो लगातार बनी रहती है, तो इस दवा को लगातार लेना पड़ता है या कभी कुछ खाना पीना खाने की वजह से तुरंत ही अगर एसिडिटी की समस्या होने लगी हो, तो ऐसे में भी हम अपने पेट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम पुरानी है तो ऐसी स्थिति में निक्सोसिट की मात्रा को लगातार 2-3 महीने तक लेना पड़ती है। अगर टैबलेट की डोज की बात करें तो टैबलेट की 2-2 गोली दिन में 4 बार लेना है। और अगर बच्चों में कोई भी पेट की समस्या है तो उनके लिए बड़ों के मुकाबले आधी डोज रखना है, जिनकी उम्र 10 साल से नीची है उनके लिए 1-1 गोली दिन में 4 बार ले सकते हैं। बड़े लोग भी ज़्यादा एसिडिटी की समस्या होने पर हर 2-2 घंटे में इसकी 2-2 गोलियां लगातार ले सकते हैं। जब स्थिति में आराम आए तब इसकी 2-2 गोली दिन में 4 बार करें और लगभग ठीक होने की स्थिति में 2-2 गोली दिन में 3 बार लें। और जब कभी भी एसिडिटी की समस्या बढ़े, इसको फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जिनको लगातार एसिडिटी की शिकायत है, पेट में जलन है, पेट का फूलना है, वहाँ पर बदहजमी है, लगातार डपकार आती हैं या एसिड का मुंह में आ जाने वाली जैसी समस्या हो, जिसको हम रिफ्लेक्सेस इजोफिजाइटिस की समस्या बोलते हैं, या क्रोनिक एसिडिटी की वजह से ऐसी कई सारी समस्याएं होने लगी हों, तो ऐसी स्थिति में भी इस टैबलेट को लगातार उपयोग करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी दवा है। इसके लगातार निरंतर उपयोग करने से कई सारी पेट की समस्याओं में पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। दोस्तों, सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए यह दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही साथ पेट को ठीक करने के जो नियम हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। हमारे लिए हल्का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी या लगातार मसालेदार जो खाना है उसको लगातार ना लें। कभी कभार लेने से पेट की समस्या नहीं आती। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में पानी की मात्रा लें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको भी बदलाव में लाएँ। अपने आप को थोड़ा पैदल चलना, घूमना, वॉकिंग या एक्सरसाइज भी किया करें।
जिनके लिए लगातार पानी की कम पीने की आदत है वो लगातार अपने पानी की अमाउंट को बढ़ाएं, बार बार पानी की मात्रा पिएं, जिससे उनकी एसिडिटी है वह कंट्रोल होगी। इसके अलावा जिनको एल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट्स है या जो तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं उनको भी अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो सारे लोग जिनको एसिडिटी की समस्या है वो चाय या कॉफ़ी का सेवन सुबह खाली पेट ना करें। यह टेबलेट लगातार लंबे समय तक खाने के बाद भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से हम इस टेबलेट के लगातार उपयोग से अपने पेट की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पेट में लगातार एसिडिटी हो, खाने के पहले पेट में जलन हो या खाने के बाद पेट में जलन हो या गले से लेके और पेट के ऊपरी हिस्से तक अगर लगातार जलन हो रही हो, खट्टी डकारें आ रही हो, एसिडिटी हो रही हो, तो इन सारी सिम्टम्स के साथ हम चाहें तो SBL टैबलेट की जगह पर सिरप का भी उपयोग कर सकते हैं। सिरप हमेशा खाना के एक घंटे या आधा घंटे पहले 1.5 चम्मच की मात्रा आधा कप पानी में मिलाकर खाली पेट लेना है, इसके बाद खाना को खाना है। अगर पेट की समस्या अत्यधिक है तो इसको दिन में 4 बार 1.5 चम्मच ले सकते हैं। सिरप को लगातार ले सकते हैं अगर एसिडिटी की समस्या क्रॉनिक है। इस तरह से क्रॉनिक एसिडिटी की समस्या हो या अक्यूट एसिडिटी की समस्या हो, ओसोफिजियल ओफिजाइटिस हो या कोई भी पेट की अन्य समस्या हो, डाइजेशन हो, खट्टी डकारें हों या बदहजमी हो, पेट में जलन हो, इन सारी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी निक्सोसिट टैबलेट और सिरप का उपयोग, जैसा कि हमने बताया, इसको हम ले सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी दवा जो होम्योपैथिक की बहुत ही फेमस मेडिसिन है, उसके लिए भी अगर सोते समय 2 बूंद ले लें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, इस मेडिसिन का नाम है नक्सबोमिका 200। आप कोई भी वर्क करते हैं, एक्टिव रहते हैं या सेडेंट्री रहते हैं, ओवरवर्क करते हैं या काम नहीं करते, किसी भी स्थिति में अगर पेट की समस्या बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपको सोते समय 2 बूंद नक्सबोमिका 200 का सेवन करना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी पेट की हर समस्या का बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। इसकी अवेलेबिलिटी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, लेकिन इस दवा को लेने के पहले इसके किसी भी डॉक्टर से भी हम कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो इस दवा को मेरे फ्लैश हो रहे नंबर पर बात करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप एसिडिटी से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे कोई भी कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो मेरे फ्लैश हो रहे नंबर पर अपॉइंटमेंट के बाद ही बात करें, आपके लिए लगातार अच्छी दवाइयों के बारे में हम जानकारी देंगे। दोस्तों, आप लगातार हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हम वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स या अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करें, जिससे अधिक से अधिक लोग पेट की समस्याओं के बारे में, अच्छे से मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी ले पाएं। दोस्तों, लगातार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।